तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इज के ऑफिशियल एंड आई एम देयर विथ यू विथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू दिस टाइम तो आज जो है हम यस yes, एग्ज़ाम्स के बहुत बहुत पास आकर मैथमेटिक्स टू का जो है रिविजन करेंगे ओके okay? तो so, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में पढ़ा दूंगी लेकिन यस yes, अगर आपने पहले से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वन भी पढ़ा होगा ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि येस आपको करना क्या है एंड कंप्लीट पाथवे मैं आपको हर यूनिट का बता दूंगी कहाँ से क्या रिवाइज़ करना है कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपको आने वाला है लाइक like, uh, मतलब कौन सा टॉपिक आने वाला है तो वो सब डिस्कस करेंगे एंड यस आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स टू जो है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है तो ट्राई uh, करेंगे इस पर्टिकुलर uh, वीडियो के अंदर कंप्लीट यूनिट नंबर वन के हर कॉन्सेप्ट को देखने का हर टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ओके okay? तो यस चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम यस ये बता दूँ आपको कि केमिस्ट्री और बी एक्सी इन सब के लिए तो कम्प्लीटली अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर ट्राई करेंगे आगे मैकेनिक्स मेकेन, के लिए जो है दो तीन हॉलीडे है तो उसके अंदर हम ट्राई करेंगे मैकेनिक्स को भी कवर कर लेंगे रिविजन टाइप ठीक है अभी जो है मैथमेटिक्स की ज़्यादा नीड है स्टूडेंट्स को तो चलो वही करते हैं रिवाइज करते हैं एक ही दिन बच्चा है तो उसके अंदर सब कुछ मैथमेटिक्स टू का जो है ना लोग कहते हैं कि अरे कितना मैथ्स तो हार्ड है हार्ड है नहीं बहुत ईजी है जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे ठीक है तो चलिए यूनिट वन का नाम क्या है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम भी मैथ्स वन में भी पढ़ा हुआ है तो मतलब ठीक है चलो हमें आइडिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है राइट तो चलिए ज्यादा मतलब बेसिक्स के तरफ ना जाते हुए मैं डिरेक्टली आपको ये बताती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू होगा पेपर के अंदर ओके तो उसके अंदर आपको कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ओके तो क्वेश्चन वन ए बी सी ओके और हाँ पर आपको और के अंदर क्वेश्चन टू आएगा एबीसी okay? तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीन आपको क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पूछे जाएंगे ठीक है अभी तक का फॉर्मेट तो यही है लास्ट ईयर ओके लास्ट अगर आप सेम का पेपर देखेंगे लास्ट ईयर का उसमें भी यही आपको फॉर्मेट दिखेगा ओके एंड जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको दोनों भी जगह मिलेंगे कंपलसरी ओके अगर आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो आई कैन गारंटी यू कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बहुत ईजीली आ जाएगा ठीक है मतलब इसका उल्टा हाफ होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेम चीजें होती हैं आई विल टेल कि क्या होता है क्या नहीं ओके एंड ये अगर आपको बर्नौली भी ईजी लगता है तो आप वो करो अदरवाइज आई कैन से आप ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन ये वाला क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करो ओके okay? क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट एंड लीनियर है एंड तीनों भी टॉपिक्स बहुत सिंपल है समझने के लिए भी अप्लाई करने के लिए भी ठीक है अगर सपोज आपको आ, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पूरा यूनिट जो है वो प्रिपेयर करना है ठीक है कोई ऑप्शन में नहीं रखना है तब आप बर्नौली भी कर सकते हो एंड फिर आप जो है पेपर में चॉइस कर सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ठीक है चलो अब इस यूनिट के अंदर बस यही चार चीजें हैं कौन सी चार फर्स्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड है नॉन एग्जैक्ट देन थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन बस चार ही जो है पार्ट है हमारे यूनिट के अंदर एंड बस इसी का इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे अदरवाइज कोई भी ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं बोलूंगी अगर आप हर टाइप का एक या दो या तीन भी ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ठीक है एंड बेसिकली अगर आप ज्यादा से ज्यादा पीवा सॉल्व करने की कोशिश करो तो अगर आपने क्वेश्चन पीवाई सॉल्व कर लिए तो आप okay? तो kind of अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के मैं दे दूंगी तो मतलब आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो अब तो कल का पूरा दिन है आपके पास तो बस मैं यही कहूंगी कि चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने यूनिट को तो चलो अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो कॉलेज में तो डेफिनेशन वगैरह से स्टार्ट किया होगा आपका यूनिट इक्वेशन बताया होगा कि इक्वेशन क्या होता है अब हमें पता है यस yes, बेसिकली हमें पता होता है इक्वेशन क्या होता है एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए होता है मतलब जिसमें इक्वल साइन होता है ना वो इक्वेशन होता है बट ये सब चीजें एग्जाम्स में आने वाली हैं क्या <laughs> नहीं आने वाली है तो जस्ट हम क्या करेंगे हम उस चीज पर फोकस करेंगे जो कि एग्जाम्स में आने वाली है ओके okay? तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सब सबसे मतलब वी आर अवेयर ठीक है ना ये चीजें क्या होती हैं ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली मैथ्स टू पढ़ने आ गए ओके तो आई विल स्किप दैट बेसिक्स वाला पार्ट एंड डायरेक्टली आई विल कम टू वट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब जैसे हम डेरीवेटिव पढ़ते थे हमने डेरीवेटिव के अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन बताऊं चलो इतना तो बताना बनता है तो क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ टाइप कौन से टाइप का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो अगर इस टाइप का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वो कहलाया जाता है क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप को फॉलो करता है तब उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है ठीक है एंड yes. कंडीशन क्या है येस yes, इस फॉर्म में तो बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं लेकिन एक कंडीशन इफ एंड ओनली इफ ऐसा लिखा जाता है डेफिनेशन के अंदर अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तभी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा दैट इज डाबा एम बाय डेबा वाई इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स ठीक है अब कोई इसे डो भी बोलेगा डाबा भी बोलेगा तो मुझे डेबा की आदत है तो मैं तो वही बोलूंगी ठीक है यानी कि सिंपली हमें क्या करना है ये जो एम है इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है या फिर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विध रिस्पेक्ट टू वाई और ये जो एन है ना इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर दोनों की वैल्यू सेम आई तो हम कह सकते हैं कि क्या इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अदरवाइज इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना एंड येस अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है हमारा इक्वेशन तब हमें क्या करना होता है उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है क्या करना होता है जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इंटीग्रेशन ओके इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स यहां पर आप लिखोगे वेन वाई इज कॉन्स्टेंट ओके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी पैटर्न फॉलो करो क्योंकि ऐसा मतलब जरूरी नहीं है दोनों से भी आंसर सेम ही आने वाला है एंड ऐसा कोई आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि आपको इसी फॉर्म में जो है सॉल्व करना है ना ऐसा नहीं होगा तो आप बस इसी फॉर्मेट से जाओ ज्यादा जंबल नहीं करेंगे दिमाग में ताकि हम एक मतलब पर्टिकुलर थिंग पर ही फोकस्ड रहे एंड वही सॉल्व करके आए ठीक है अदरवाइज डंबलिंग हो गया तो मतलब हर जगह से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है ओके तो मैं जितना बता रही हूं अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है एंड जब एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ओके एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी कि एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हम उसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे समझ में आ गया बहुत सिंपल है बस यही लॉजिक जो है हम यूज़ करते हैं एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अब अगर नॉन एग्जैक्ट होगा तो उसके लिए आगे देखेंगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं ठीक है हर रूल्स के पैटर्न अलग है मैं आपको वो सब लर्न करा दूंगी डोंट वरी अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर ए ओके फर्स्ट ए तो उसके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल uh, जो है वो सॉल्व करते हैं तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूं क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज dy/dx y cos x sin y y साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ना तो ये वाला क्वेश्चन जो है अब हमें सॉल्व करना है बेसिकली हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे ठीक है किस फॉर्मेट में एमडीएक्स प्लस एनडीवाई इक्वल टू जीरो तो हम क्या करेंगे पहले तो एम डी एक्स एंड एनडीवाई इस फॉर्मेट में हमें लाना है तो हम इसको इधर लेके जा सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नथिंग एल्स यहां पर हो जाएगा डी वाई प्लस प्लस लेकिन हमारा फॉर्म क्या है एम डी एक्स प्लस पहले होना चाहिए तो हम ऐसे लिख लेंगे कैसे इस इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे y cos x प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स टू डी वाई इक्वल टू जीरो अब हो गया उस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है ना तो हम यहां पर कैसे लिख सकते हैं कंपेरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एम की वैल्यू क्या मिलेगी हमें एम की वैल्यू यस yes. मैं ऊपर वाला देख रही हूँ देखो हमें ये वाला देखना है वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई ये हो गया हमारा एम एंड एन की वैल्यू क्या होगी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई ओके नहीं डी वाई नहीं आएगा इतना हो गया एन ठीक है तो एम की और एन की वैल्यू जो है हमने निकाल ली अब सेकेंड क्या है हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा एम का हमेशा आपको पार्शियल डिफरेंशिएट जब करेंगे आप तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना होगा एंड जब भी एन करेंगे तब तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा ठीक है तो हमेशा अब क्या करेंगे बाय यहां पर आप लिखिए बाई डिफरेंशियटिंग पार्शियली डिफरेंशियटिंग एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है वो सब टर्म्स लिखना तो यहाँ पर डेबा एम बाया वाई क्या आएगा डेबा बाया वाई एम की जगह हम लिख लेंगे वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई ओके अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है हमें पार्शियल डिफरेंशिएट तो हमें एक्स को जो है वो कॉन्स्टेंट समझना होगा ठीक है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं वाई कॉस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा तो कॉस एक्स आएगा ओनली है ना क्योंकि वाई का वन हो जाएगा कॉस एक्स अब साइन वाई का क्या आएगा प्लस और माइनस बोलो बोलो प्लस कॉस वाई प्लस वन ओके तो ये हो गया डेबा एम बाय डेबा वाई ठीक है इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे, दे देंगे सिमिलरली करेंगे डेबा एन बाय डेबा बा एक्स अब इसको विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स करना होगा हमें ठीक है ना तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा डैबा बाय डेबा एक्स एंड यहाँ पर हमारा एन क्या है एन की वैल्यू है ये साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स ठीक है ना अब इसका क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू तो एक्स रिस्पेक्ट तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस एक्स, एक्स हम एक्स का वन रखेंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा क्या कॉस वाई एज इट इज प्लस वन ठीक है तो ये हो गया टू यानी कि हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों भी इक्वल आए है, है ना तो अब हम यहां पर कैसे लिख सकते हैं डेबा एम बाय डेबा वाई इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स एंड यहां पर लिख सकते हैं देर फोर इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ऐसा आप पूरा लिख के दिखा सकते हो एंड जब इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब हमें क्या करना पड़ेगा इसका जनरल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है तो जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन ज क्या है जनरल सोल्यूशन एंड ये पूरा आपको जो है फॉर्मूला लिख कर दिखाना पड़ेगा ठीक है ये फॉर्मूलाज लिखने के भी मार्क्स होते हैं ओके कंपेयरिंग विद दिस यहां पर लिखना की बाय पार्शल डिफरेंशियटिंग एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई फिर यहां पर लिखना बाय पार्शल डिफरेंशिएटिंग एन विध रिस्पेक्ट टू वाई इन सब स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं ठीक है ना तो यह लिखना मत बोलना जनरल सोल्यूशन इज अब यहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा एम डी एक्स बाय वाई कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी ठीक है ना तो यहां पर इंटीग्रेशन एन की वैल्यू क्या है हमारी वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई ओके अब ये इसको डीएक्स लिखना है तो उसका यहां पर डीएक्स लिख लेंगे वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखना है हमें प्लस अब टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स का मतलब क्या है आपको एन के टर्म्स देखने होंगे ठीक है एन के टर्म्स लेकिन यानी कि जिसमें एक्स नहीं होना चाहिए तो एन देखो आप यहाँ पर भी एक्स है इस टर्म में भी एक्स है एंड इस टर्म में भी एक्स है इसका मतलब यहाँ पर आपका आएगा जीरो डी वाईके जीरो वाई ये लिखना पड़ेगा ओके एंड जिसमें अगर सपोज एक्स होता है एक्स नहीं होगा फिर वो टर्म आपको यहाँ पर एड करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन इन, इन, ठीक है ना तो अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखो सबसे पहले तो आपको क्या कर देना है इंटीग्रेशन सबको दे देना है तो यहाँ पर आएगा वाई कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई ठीक है यस विथ डीएक्स डीएक्स होना चाहिए प्लस इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी जीरो होगा तो यहाँ पर आप लिख देना इक्वल टू सी अब यहां पर क्या बोला है कि वाई कॉन्स्टेंट है ठीक है अज्यूम करना कि सब में वाई जो है वो कॉन्स्टेंट है तो वाई अगर कॉन्स्टेंट होगा तो हमारा वाई जो है वो बाहर आ जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन कॉसेक्स बचेगा तो कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स ठीक है प्लस क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं करना है हमें क्या है हमारा वाई जो है वो कॉन्स्टेंट है एंड ये पूरा टर्म जो है वो साइन वाई यानी कि वाई का ही टर्म है तो ये पूरा जो है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा यानी कि साइन वाई एंड बचेगा क्या तो वन इंटू इंटी मतलब इंटीग्रेशन सिर्फ वन डी एक्स का बचेगा ठीक है ना प्लस यहाँ पर भी वाई है जो कि कॉन्स्टेंट है यहाँ पर भी वन डी एक्स ऐसा बचेगा ठीक है ना तो यहाँ पर आपका फाइनल क्या आएगा वाई साइन एक्स प्लस यहाँ पर इसका क्या होगा वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स एंड यहां पर ये साइन वाई एज इट इज प्लस यहां पर भी वन का है तो एक्स वाई इक्वल टू सी तो ये है आपका फाइनल आंसर जिसमें आपको जनरल सोल्यूशन दिखाना है उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है ना समझ में आ गया बहुत सिंपल था सिंपल ही मैंने जो है फर्स्ट एग्जाम्पल रखा था क्या करना है बेसिकली हमें हमें सिर्फ ये तीन कंडीशन अप्लाई करनी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें सबसे पहले तो कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एनडीवाई इक्वल टू सी से देन ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं ये भी चेक करना है ठीक है अगर ये फॉलो हो रही है इसका मतलब क्या है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है एंड जब एग्जैक्ट होगा तब हमें जनरल सोल्यूशन इस करके ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है ये लिखना होगा एंड अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करनी होंगी ठीक है ना आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस करना एक बार लिख कर प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ जाएगा एंड बिलीव मी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यही करना है आपको पार्शियल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेने आना आता होगा ना तो ये बहुत इजी जाएगा आपका पूरा यूनिट बहुत बहुत ईजी जाएगा ठीक है सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं एक ही एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि मतलब इसमें यही करना है और कुछ करना नहीं है एंड आगे जो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कि उसमें भी यही सब चीजें करनी है बस थोड़ा सा जो है ना रूल्स वगैरह आ जाते हैं तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहां पर है आपके नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स ठीक है तो अभी देखो बेसिकली तो फाइव रूल्स होते हैं लेकिन आज तक जो फिफ्थ रूल है ना उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है तो हम सिर्फ रूल नंबर वन टू फोर पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एंड इनमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन येस yes, हम चारों के भी एक एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लेंगे ठीक है सबसे पहले सबसे पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि हम ये रूल्स क्यों यूज कर रहे हैं ओके एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा अभी अभी हमने पढ़ा कि Differential equation क्या होता है 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 वो कब कब पता पता चलता चलता हमें कि ये exact differential equation है? कब पता चलता है जब डेबा एम बाय वाई इक्वल और डेबा एन बाय डेबा एक्स ये जब इक्वेल इक्वेट ना हो ठीक है ना या फिर जब ये दोनों इक्वल ना हो तब हम कहेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है अब हमें इसका जनरल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे तो वही बेसिक थिंग है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन सेम स्टेप्स जैसे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में किया सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे एंड हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा इसीलिए मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक ही एग्जाम्पल लिया क्योंकि वही चीज हमें इसके अंदर करनी है बस कुछ स्टेप्स यूं बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें रूल्स जो है वो उसके अंदर अपलाई करने पड़ते हैं एंड कुछ स्टेप्स उसके अप्लाई करके फिर हम जो है एग्जैक्ट जब हमें जनरल है एंड okay? तो yes, ये वाला फैक्टर कुछ पड़ा था याद आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, yes. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है अगर आपने उस वक्त नहीं था तो ठीक है कोई बात नहीं इधर उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि हमें उसका डिरेक्टली फॉर्मुलस गिवन है एंड वही फॉर्मूलेस जो है अप्लाई करना है तो सिंपली मैं आपको बस इतना बता दू जो

समझ में आ गया बहुत ईजी है ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो ओके okay? चलो रूल्स देखते हैं रूल नंबर वन क्या है अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है होमोजीनियस का मतलब क्या होता है येस yes, हमें पता है कि मतलब पूरी जो डिग्री होगी हमारे इक्वेशन uh, की वो अगर सेम होगी ठीक है ना तब हम उसको होमोजीनियस बोलते हैं तो अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री सेम है होमोजीनियस है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई हमेशा इसी सीरीज में चेक करना ओके okay? अगर आपको क्वेश्चन दिया है एंड इट इज ऑफ टाइप नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको इन्हीं रूल्स के हिसाब से सबसे पहले रूल वन देखना है यानी कि अगर होमोजेनियस है या नहीं है अगर नहीं है तो रूल टू पर जाओ अगर ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है फिर रूल थ्री पर जाओ ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कि फोर्थ ही देख रहे हैं थर्ड देख रहे हैं ऐसा नहीं करना है सबसे मतलब सीरीज वाइज आपको जाना है तो रूल नंबर वन क्या कहता है अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई एम और एन की वैल्यू तो हमें पता ही है जस्ट एम के अंदर एक्स का मल्टीप्लाई करना है एंड एड करना है एन इंटू वाई से समझ में आ गया ना बस ये जो कंडीशन है ये सब में फॉलो होती है कि लेकिन नहीं करेंगे क्वेश्चन कर मतलब, आ गया है, तो हमें क्या करना है वो चीज बता रही हूं बेसिक सारी चीजें हम इतनी नहीं देख रहे हैं इसके अंदर गे? तो चलो रूल वन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रूल टू क्या है अगर रूल टू में हमें क्या देखना है कि अगर हमारा इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में प्लस एक्स डी वाई ठीक है बीच में कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है लेकिन अगर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ये वाले फॉर्म में है हमारा इक्वेशन तब हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वन अपॉन एम एक्स माइनस एनवाई है ना बस यहाँ पर प्लस है यहां पर माइनस है कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या नहीं तो ये वाला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस टाइप ठीक है समझ में आ गया ये वाला टाइप थर्ड रूल क्या कहता है देखो थर्ड रूल कहता है कि अगर वाई डी एक्स या एक्स डी वाई फॉर्म नहीं दिख रहा है हमें लेकिन हाँ एक्स डी वाई दिख रहा है ठीक है पूरे इक्वेशन में कहीं तो हमें एक्स डी वाई जो है ना ये नजर आ रहा है तो अगर हमारा इक्वेशन में हमें एक्स डी वाई नजर आ रहा है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसके लिए दो स्टेप्स हो जाते हैं ठीक है शॉर्ट ही है दो ही स्टेप्स हैं ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन क्या है देखो पहले हमें जो है एफ एक्स निकालना पड़ेगा एफ एक्स कैसे निकलेगा जो हमने डेबा एम बाई डेबा वाई और डेबा एन बाय डेबा एक्स पहले ही निकाला हुआ होता है ना क्योंकि हम जब चेक करते होते हैं कि वो एक्जैक्ट है या नहीं है है ना तो ये तो पहले ही निकाला हुआ होता है तो ये जो है ये कंप्लीट फॉर्मूला है एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए किसके लिए एफ एक्स यानी डेबा एम बाया वाई माइनस डेबा एन बाइ डा एक्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एन ठीक है ना तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे हमें मिलेगा, ये जो मिलेगा, इससे हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, होगा यहाँ लिखती हूँ तो हमें ई रेस टू जो है उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा किसका इस एफ एक्स का ठीक है बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अब जैसे यहां पर एक्स डी वाई फॉर्म देखा तो वैसे ही कभी ना कभी क्वेश्चन में वाई डी एक्स भी हो सकता है ना एक्स डी वाई ना okay, होकर तो उस जगह हम ये यूज करेंगे एंड सिम मतलब ऐसा ही है बस क्या है अपोजिट है यहां पर डेबा एम बा डेबा वाई था यहां पर डेबा एन बाय डेबा एक्स होगा माइनस डेबा एम बाय डेबा वाई होगा एंड अपॉन एम होगा तब तो यहां पर हमें मिलेगा एफ ऑफ वाई ओके एफ ऑफ वाई मिलेगा एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई ठीक है एक और रूल है मतलब रूल नंबर फाइव होता है आप चाहो तो मैं दिखा सकती हूं मेरी बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है ये होता है रूल फाइव अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो इस वाले फॉर्म में होता है एंड मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ कुछ इस तरह आता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर ये वाला फॉर्म होता है तब मतलब हम इसको जो है ना करते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये आ, मतलब हाँ ईजी है इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है लेकिन ये जब अगर कभी पूछा ही नहीं गया है आ, पेपर के अंदर तो हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें वो भी लास्ट के मोमेंट्स के अंदर तो बस हम ये चार रूल्स पर ही फोकस करेंगे एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से टाइप का पूछे जाता है तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है है एंड ये भी मतलब है, दोनों भी मतलब दोनों आप एक ही लेवल पर समझ सकते हो लेकिन इनको भी इक्वली इंपॉर्टेंट ही समझो इनमें भी मतलब आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए अगर क्वेश्चन आ गया तो ये वाला ज्यादा होता है स्टार मार्क कर लो ये वाले रूल को ज्यादातर यह पूछा जाता है लेकिन यस चारों भी बहुत ईजी है तो हम चारों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है ठीके? तो चलिए तो देखो ये क्वेश्चन लिया है मैंने एंड यस yes, अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है आपको पता चल गया होगा लेकिन चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा सबसे पहले तो इसको जो है हम सिम्प्लीफाई फॉर्म करके इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में लेकर आएंगे ठीक है ना तो पहले तो ये जो ब्रैकेट है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एंड यहाँ पर वाई अगेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर ठीक है ना तो ये अब जस्ट मल्टीप्लाई किया है अब क्या करेंगे ये डी एक्स को इधर लेके जाते हैं है ना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई यहाँ पर डी वाई मिलेगा इज इक्वल टू एक्स वाई इसको एक्स वाई लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स ठीक है ना लेकिन हमें क्या कि किस फॉर्म में चाहिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में चाहिए तो ये डी एक्स को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ठीक है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो अब आप बोलोगे कि मैंने इसको इधर रख के इसको इधर लाना चाहिए था ताकि ये माइनस साइन इधर नहीं आए है ना बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा लेकिन देखो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना तो यहाँ पर हमें प्लस वैसे भी चाहिए ही था तो अगर हम इसको इधर लेकर जाते तो हमें इसको भी मतलब प्लस करके फिर पूरे टर्म को माइनस ही करना पड़ता इससे अच्छा मैंने इसको इधर माइनस ले लिया है ठीक है समझ में आ गया अब क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे विथ वॉट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो हमें एम क्या मिलेगा एम मिलेगा माइनस ऑफ एक्स वाई या हाँ माइनस ऑफ एक्स वाई चलो प्लस वाई स्क्वायर तो हम कैसे लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है, है ना और एन क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना तो एम भी मिल गया और एन भी मिल गया अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट वही डैबा एम बाई डेबा वाई एंड डेबा एन बाय डैबा एक्स निकालेंगे तो वो सारे सेंटेंसेज आप लिखना डिफरेंशिएट एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली वगैरह तो यहाँ पर क्या होगा डैबा एम बाय डैबा वाई तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर अब एम नहीं लिखूंगी डायरेक्टली पार्शियल डेरेवेटिव निकालते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है यानी कि एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट समझना है एक्स अगर कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा यहाँ पर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा एंड वाई का इंटीग्रे जो डेरिवेटिव वो वन हो जाएगा है ना तो इसका क्या आएगा माइनस एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा माइनस टू वाई आएगा है ना बहुत सिंपल तो डेबा एम बा डेबा वाई क्या आ गया माइनस एक्स माइनस डेबा माइनस टू बाई एंड डेबा एन बाय डेबा एक्स निकालेंगे हम तो डायरेक्टली करेंगे एक्स का क्या आएगा यहाँ पर डेरिवेटिव टू एक्स आएगा माइनस एक्स वाई तो एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो माइनस वाई आएगा है ना तो अब समझ में आ रहा है हमें कि माइनस एक्स माइनस टू वाई एंड टू एक्स माइनस वाई इनमें कहीं भी कोई भी सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही है तो हम क्या लिखेंगे डैबा एम बाय डैबा वाई ज नॉट इक्वल टू डेबा एन बाई डेबा एक्सरफॉर इट इज नॉट या फिर ऐसे लिख सकते हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना अब जो है अब जब अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हमें देखना होगा रूल वाइज कि ये जो कंडीशन है एमडीएक्स प्लस एनडीवाई ये वाला फॉर्म हो रहा है ना तो इस इधर देखना होगा कि कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है थोड़ा सा सोचो ऑफ कोर्स रूल नंबर वन ही अप्लाई हो रहा है क्योंकि सबकी डिग्री देखो टू है है ना इसकी भी देखें तो वन प्लस वन टू है इसकी भी टू है इसकी भी टू है एंड इसकी भी टू है, है यानी कि पूरे इक्वेशन में हर टर्म की जो डिग्री है वो टू है यानी कि हमारा इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है ना तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय रूल वन ठीक है यहाँ पर ऐसे लिखना बाय रूल वन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस ठीक है होमोजीनियस एंड अगर होमोजीनियस है तो जल्दी से हम क्या निकाल लेंगे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था रूल नंबर वन का एम एक्स प्लस एन वाई वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो वन अपॉन अब एम क्या है हमारा देखो एम ये है यानी कि माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा एम है यहाँ पर ये एक्स यहाँ पर लिखना है ठीक है प्लस एन क्या है हमारा एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड ये वाई हमें जो है एज इट इज लिख देना है ठीक है ना तो चलो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है प्लस अब वाई को यहां से करना है तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो यहां पर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पर कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहा है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर यानी कि माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर है ना तो ये मिल गया हमें क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ में आ गया तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मैंने आपको क्या बोला था हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा है ना तो यहां पर हम क्या करेंगे अब यहां पर आप लिखना ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां पर अब सिंपली हम क्या करेंगे ये है हमारा क्या वन अपॉन मा, या फिर हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर ये वाला पूरा जो फॉर्मेट है ना हमें ये लिख लेंगे ठीक है ना तो हमें यहाँ पर ये चलो इसको तो हम सिंपल में कैसे लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है ना यहाँ पर आएगा ये डी एक्स प्लस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना डी वाई इक्वल टू जीरो ठीक है ना अब सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर जितने भी कोफिशियंट होंगे यानी कि जैसे इधर क्या है माइनस वन अपॉइंट टू तो ये पूरे को आपको क्या कंसिडर करना है कि ये यहाँ पर जाके जीरो हो जाएगा है ना तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा वन अपॉइंट एक्स वाई स्क्वायर बचेगा ठीक है तो अगर आप ऐसे भी लेके करते हो तो आंसर करेक्ट ही आएगा मतलब ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन येस ऐसे करेंगे तो आपका एक, मतलब जो आंसर है वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा ठीक है ना तो यहाँ पर जितना भी को टाइप यानी कि नंबर टाइप जो होगा वो आपको ऐसे कंसिडर करना है कि इस साइड जाके वो जीरो हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होकर हर चीज जीरो ही हो जाती है

अब यहाँ पर क्या है देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो यहाँ पर एक्सक्वायर के नीचे लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के नीचे लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर एंड ये पूरा किसके है डी वाई इक्वल टू जीरो है ना तो ये क्या मिल गया हमें ये अब देखो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये हमें ये किस फॉर्मेट में मिल जाएगा एम डी एक्स प्लस एनडी वाई है ना फिर ये एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्स कैंसिल हो गया एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया यानी कि माइनस वन वाई यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरा कैंसल हो गया यहाँ पर बचा माइनस वन अपॉन एक्स ये पूरा क्या है डी एक्स ठीक है यहाँ पर एक एक्स कैंसिल हो गया एंड वाई स्क्वायर एज इट इज है तो यहाँ पर बचेगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गया एंड एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया नीचे बचेगा वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो नाउ इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना तो अब जो है हमें न्यू एम और न्यू एन मिल गया ठीक है तो अब हम इनको ही एम और एन कंसिडर करेंगे तो अब जो है हमें जनरल सोल्यूशन निकालना होगा तो जनरल सोल्यूशन इज कैसे निकालेंगे हम वही फॉर्मूला लिखेंगे एम डी एक्स क्या कॉन्स्टेंट है यहां पर वाई कॉन्स्टेंट है ठीक है प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी ठीक है ना तो यहाँ पर एम क्या है हमारा यहाँ पर अब ये वाला एम देखना है हमें ओके okay? तो यहाँ पर एम है हमारा माइनस वन अपॉन वाई ये इंटीग्रेशन है माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ पर है डी एक्स प्लस यहाँ पर टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें एक्स है वो हमें नहीं लेना है ठीक है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो ये वाले टर्म में एक्स है तो हम इसको नहीं लेंगे तो ये वाला टर्म हम लेंगे क्या है माइनस वन अपॉन वाई ठीक है ना ऐसे लेना है आप समझ में आ गया वाई इक्वल टू सी अब यहाँ पर जो है हमें y को कांस्टेंट लेना है इस वाले इसमें तो यहां पर अगर y कांस्टेंट होगा तो ये वाला पूरा जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा इसका मतलब ये माइनस वन अपॉन वाई ऐसे रहेगा इंटू वन dx ठीक है माइनस अब इसके पास इंटीग्रेशन जाएगा तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इसके पास इंटीग्रेशन जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू सी ठीक है ना तो यहाँ पर माइनस वन अपॉन वाई तो क्या है हमारा कांस्टेंट है ये जो वन है इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स है ना माइनस वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई समझ में आ गया बहुत सिंपल था बस अब क्या करना है यहां पर इसको हमें सिंप लॉग वाई ठीक है यहां पर इसको हमें सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख देना है कैसे माइनस एक्स बाय वाई अब माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अगर मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया एंड लॉग को भी कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा माइनस कॉमन ले लिया सपोज ठीक है तो ऐसे बचेगा ना ऐसे तो यहां पर ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा इसका मतलब प्लस अगर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई है ना मल्टीप्लाई में हो जाता है इक्वल टू सी बस इतना ही है क्या अगर हाँ, चलो हम चलो माइनस साइन भी जो है वो कॉमन ले सकते हैं जितना चाहो आप उतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अपने आंसर को लिख सकते हो बस आ गया आपका आंसर है ना बहुत सिंपल बस इतना ही आपको करना था और कुछ भी नहीं एंड फाइव मार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है ना देखो देखने में सम बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं ठीक है लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम बहुत इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे एंड एनडीए मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है ठीक है ना तो क्या करना था बेसिकली ये नॉन एग्जैक्ट है यह हमें इस स्टेज पर आकर पता चला कौन सी इस वाली स्टेज पर ठीक है थीके? ना जब डेबा एम एम बाय डेबा वाई इज नॉट इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स उस टाइम पर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा कौन सा रूल अप्लाई होगा ये आपको इस वाले फॉर्म में यानी कि इस स्टेज में पता चलेगा एम डी एक्स प्लस एनडी वाई इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में ठीक है तो यहाँ पर आप फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे उस पर्टिक्यू रूल्स है एंड जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे है ना अपने एम डी एक्स प्लस एनडीवाई इक्वल टू जीरो इस वाले फॉर्मेट के साथ एंड आपको हर टर्म के साथ जो है वो उसको डिवाइड कर देना है तो आपको ये जो इक्वेशन मिलेगा ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एंड जब आपको एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा तो सिंपली आपको जनरल सोल्यूशन निकालना होगा सिंपली आपको इंटीग्रेशन लेना है समझ में आ गया एंड ये आपको ऐसे जो है जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा सो आई होप आपको बहुत ईजिल समझ में आ गया होगा रूल नंबर वन अब वैसे ही देखते हैं रूल नंबर टू का एक एग्जाम्पल तो ये वाला एक एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो देखो अब तो अब हम, हमें पता है कि हम रूल नंबर वन या टू या थ्री कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा रूल अप्लाई होगा इसके अंदर अगर नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ठीक है यहाँ पर भी देख ही समझ में आ जा रहा है हमें कि वाई डी और एक्स डी का फॉर्म है है ना यानी कि रूल नंबर टू हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा एम एक्स माइनस एन वाई वन अपऑन एम एक्स माइनस एन वाई है ना तो वो आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकिन स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने होंगे यहाँ पर पहले हमें इसको एम डी एक्स प्लस एनडीवाई फॉर्म में लाना होगा तो यहाँ पर एम डी एक्स और एनडीवाई इसी फॉर्म में है जस्ट हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है ना इस वाले टर्म को तो हमें यहाँ पर एम क्या मिल जाएगा थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ एग्जाम्स में डायरेक्ट डायरेक्ट मत करना ओके okay? कंप्लीट सब कुछ लिखना ओके okay? तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y प्लस एक्स वाई स्क्वायर है ना ये आपको m मिलेगा और n क्या मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये आपको n मिलेगा सिंपली हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे dy एम बाय वाई तो हमें क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर वन मिलेगा प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं है ना तो x कॉन्स्टेंट है x एज इट इज यहाँ पर y का क्या आएगा टू वाई है ना तो इधर क्या हो जाएगा वन प्लस टू एक्स वाई है ना सिमिलरली डेबा एन बाय डेबा एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर वन आएगा माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और ये वाई एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, है ना तो यहाँ पर क्या मिल गया वन माइनस टू एक्स वाई तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा डेबा एन बाय डेबा वाई जो है इट इज नॉट इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स है ना तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इट इज नॉट ठीक है दैर फॉर इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो अब यहां पर हमने एनालिसिस करना है ठीक है तो एनालिसिस क्या हो गया हमारा कि यहां पर येस रूल टू अप्लाई हो रहा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बाय रूल टू बाय रूल टू यहां पर हम लिखेंगे बाय रूल टू हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म का है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई फॉर्म का है तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई ठीक है ना तो वन अपन एम एक्स माइनस एन वाई होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेते हैं जल्दी से आप जरा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है ट्रिक है ना तो n क्या है हमारा देखो वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड यहां पर आएगा एक्स माइनस एन क्या है हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड यहां पर आएगा वाई ठीक है तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स को अंदर तो यहां पर मिलेगा एक्स एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स वाई एंड ये देखो माइनस माइनस प्लस होएगा तो यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यस एक्स वाई और एक्स वाई कैंसल हो रहा है तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया वन अपॉइंट टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना एक्सक्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू वाई स्क्वायर अब हम क्या करेंगे नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एमडी एक्स प्लस एनडी वाई इक्वल टू जीरो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारा square square, है न? हमारा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म क्या है इसको ही हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यानी कि अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये डी एक्स एंड डी वाई एज इट इज रखेंगे है ना तो एम क्या है हमारा यहाँ पर देखो तो एम क्या है हमारा वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है ना एंड यहाँ पर यहाँ पर डी एक्स लिख लेंगे एन है हमारा एक्स माइनस वाई एंड यहां पर डी वाई लिख लेंगे ठीक है ना एंड इक्वल टू जीरो सिंपली अब क्या करना है जैसे मैंने आपको बताया था ये जो कोफिशेंट वाला टर्म है ना इसको आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो वो जीरो ही हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पर बचा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्र तो अब इसको हर टर्म के साथ अब हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो यहां पर क्या है वाई तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर नीचे आएगा एक्सक्वायर वाई स्क्वायर ठीक है एंड ये पूरे का डी एक्स ठीक है ना ये पूरे का डी एक्स प्लस यहां पर ये एक्स है एक्स एंड इसका डिवाइड करेंगे एक्सक्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्न ये क्या है एक्सक्वायर वाई एक स्क्वायर ठीक है ना तो यहां पर डी वाई आएगा इक्वल टू वॉट जीरो अब हमें क्या करना है सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना है और कुछ भी नहीं तो ये y और y जो है कैंसल हो जाएगा नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई ठीक है प्लस यहां पर से एक एक्स एक से एक्स एक 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 कैंसिल वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल वन अपॉन एक्स बचेगा एंड ये पूरा है dx एक्स प्लस यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्सक्वायर सेवायर कैंसल एक वाई से एक वाई कैंसिल वन अपॉन वाई डीवाई इक्वल टू जीरो है ना तो अब ये किस फॉर्म में आ गया एम डी एक्स प्लस एन डीवाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ इट इज इन इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना तो जनरल सोल्यूशन इज क्या आएगा एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी यहाँ पर क्या है वाई कांस्टेंट है ठीक है ना तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा हमारा एम क्या है एम है हमारा वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है यहाँ पर है डी एक्स यहाँ पर वाई को रखना है हमें कांस्टेंट टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स हमारे वो वाले कौन सा टर्म है? है तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे यही मिस्टेक होती है स्टूडेंट से भी तो ये वाली मिस्टेक हमें नहीं करनी है हमें ये वाला एम और एन लेना है ठीक है ना तो मैंने फ्लो फ्लो में ये वाला एम और एन ले लिया क्योंकि वो मेरे सामने था तो बस यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है आपको भी समझ में आ गया होगा तो हमारा एम क्या है यहां पर देखो one upon X square y plus one upon X, है ना तो याद रखना मेरी से आप लोग सीखोक्ट कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स यहां पर कौन से टर्म में एक्स नहीं है इसमें तो इस नहीं है तो हम ये ले लेंगे क्या माइनस वन अपॉन वाई बी वाईल टू सी ठीक है ना समझ में आ गया क्या मिस्टेक नहीं करनी है हमें देखो हमारे पास दो एम और एन मिल जाते हैं लेकिन हमें कौन सा वाला एम और एन कंसिडर करना है इस बार नीचे वाला एम और एन चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ईजी है इंटीग्रेशन सबके पास चला जाएगा तो यहाँ पर जब वाई कॉन्स्टेंट है तो इसका वन अपॉइंट वाई बाहर ले, ले लेते हैं यहाँ पर बचेगा वन अपॉइॉइन एक्स स्क्वायर है ना डी एक्स प्लस वापस इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा अब वन अपॉइन एक्स जो है वो बाहर होगा है ना ओके okay, नहीं नहीं अंदर होगा क्योंकि है है तो यहां पर पर ये ऐसा रहेगा dx minus, अब यहां पर जो है, वो पूरा बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा सिर्फ वन डी इक्वल टू सी जल्दी से इंटीग्रेशन ले लेते हैं माइनस वन अपॉन एक्स ठीक है ना प्लस वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वाई का ओके 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 यहाँ पर वाई है देखो यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है क्या यहां पर हमें वन अपॉन वाई अंदर लेना होगा क्योंकि यहां पर हम वाई कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं इस वाले टर्म में वाई कांस्टेंट नहीं है ठीक है ना सिर्फ इतने वाले टर्म में डीएक्स के साथ जो है ना वही टर्म में जो है वाई कॉन्स्टेंट है समझ में आ गया तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस लॉन्ग वाई इक्वल टू सी समझ में आ गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई का लेना ही पड़ेगा ना ऑफकोर्स तो मेरी मिस्टेक से वही बोलूंगी कि आप सीखो समझ में आया तो यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस यहाँ पर लॉग एक्स यहाँ पर अब यहां से क्या हो जाएगा ये एक्स जाएगा इक्वल टू सी तो ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन समझ में आ गया बहुत सिंपल था ये रूल नंबर टू जो है ये ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में आता है ठीक है अभी तक मेजोरिटी एग्जाम्स में आया है तो ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गई होगी क्या करना है बेसिक वो समझ में आ गया होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है हमें एंड उसको मल्टीप्लाई करते जाना है तो हमें जो है नॉन एग्जैक्ट जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है बेसिकली एंड हमें इजीली जो है हमारा सोल्यूशन मिल जाता है so, होप आपको सेकेंड रूल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा होगा चलो रूल थ्री देखते हैं तो देखो ये क्वेश्चन लिया है मैंने एज ए एग्जाम्पल फॉर थर्ड रूल ठीक है तो जल्दी जल्दी अब इसको सॉल्व करेंगे ज्यादा इसके अंदर डिले नहीं करेंगे अब ये तो देखो एम डी एक्स प्लस ये उसी फॉर्म फॉर्म में है है ना बस माइनस है तो उसको हमें कंसिडर करना होगा तो यहाँ पर हमें एम क्या मिलेगा कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस यहाँ पर m हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन है ना और n क्या मिलेगा माइनस लेना होगा हमें ठीक है माइनस टू तो एक्स वाई समझ में आ गया बस डेबा एम बा डेबा वाई निकालेंगे वो डिफ्रेंशिएटिंग वाली लाइन वो आप लिख लेना ठीक है तो यहां पर डेबा एम बा डेबा वाई एम क्या है हमारा एक्सक्र प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम तो एक्सक्र एक्स जो है वो कॉन्टेंट होगा तो यहां पर जो है एक्सक्वायर हमारा कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरेवेटिव जीरो हो जाएगा वाई का क्या आएगा टू वाई आएगा प्लस वन का भी जीरो हो जाएगा तो डेबा एम डेबा वाई इतना ही आया डेबा एन बाइ डेबा एक्स क्या आएगा

ये देखना होगा कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है ठीक है ना तो रूल अप्लाई कौन सा हो रहा है तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग से जाएंगे तो होमोजीनियस तो है नहीं है ना एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वायेर यहाँ पर एक्स वाई तो मतलब होमोजीनियस लग रहा है लेकिन यहाँ पर देखो ना यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं है इसका मतलब कोई डिग्री नहीं है तो वन की कोई डिग्री नहीं है इसका मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है सेकेंड रूल देखें तो एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स फॉर्म होना चाहिए तो यहाँ पर हमें एक्स डी वाई तो दिख रहा है लेकिन वाई डी एक्स नहीं दिख रहा है ये इस साइड में वाई होता तो हम एक्स डी वाई प्लस YDX वाला फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हैं रूल नंबर टू अप्लाई करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है एक्स डी वाई बस इतना ही नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे रूल थ्री अप्लाई करेंगे दैट इज हमें क्या लिखना होगा कि बाय रूल थ्री यानी कि अभी हमें एफेक्ट्स निकालना पड़ेगा एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा देखना बहुत सिंपल है कैसे करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रूल थ्री बाय रूल थ्री क्यों बिकॉज देखो मैं लिख देती हूँ ये एक्स डी वाई फॉर्म है एक्स डी वाई फॉर्म है ये नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपका आपने गोल्ड या प्लेटिनम इसमें दोनों में से कोई भी एक प्लेट आ... मेंबरशिप के अंदर अगर आप हो तो आपको मिल जाएगा वैसे तो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया था कि गोल्ड के अंदर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स के सोल्यूशन होंगे वही पीडीएफ डालूंगी एंड प्लेटिनम में आपको हर वीडियो की जो है लिंक मिल जाएगी लेकिन यस yes, अभी स्टार्टिंग के लिए इनसे बहुत ज़्यादा है तो मैं जो है अभी के लिए जो अपनी रिसेंट वीडियोज़ है उन सबके नोट्स मैं गोल्ड में ही दे रही हूँ तो अगर आप चाहो तो वो परचेस कर सकते हो आपको सब उसके अंदर पी मिल ही जाएंगी तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर रूल थ्री जो है अप्लाई हो रहा है रूल थ्री में क्या है कि सबसे पहले हमें एफ निकालना होगा तो एफ कैसे निकालते हैं यहाँ पर अ, एफ एक्स निकालना होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट डेबा, एम बाय डेबा वाई माइनस डेबा एन बाय डेबा एक्स डिवाइडेड बाय एन तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ एक्स तो हमने डेबा एम बाय डेबा वाई और डेबा एन बाय डेबा एक्स तो निकाल के रखा है क्या है यहाँ पर यह है टू वाई माइनस डबा एन बाय एक्स क्या माइनस टू वाई यानी कि प्लस टू वाई हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन एन क्या है हमारा एन है माइनस टू एक्स वाई ठीक है ना तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर टू वाई प्लस टू वाई हो जाएगा फोर वाई डिवाइडेड बाय माइनस टू एक्स वाई यहाँ से ये कैंसिल टू मिलेगा वाई से y कैंसिल तो हमें एफ एक्स क्या मिल जाएगा एफ एक्स मिलेगा हमें माइनस टू ऑफ टू अपॉन एक्स है ना माइनस टू अपॉन एक्स ये हमें मिल गया एफ एक्स अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ठीक है ना समझ में आ गया अब ये जो हमें एफ एक्स मिला है ये आपका ऊपर चला जाएगा माइनस टू बाई एक्स डी एक्स ऐसे मिलेगा है ना तो यहाँ पर क्या होगा ये e, इधर एज इट इज अब देखो माइनस टू जो है वो कॉन्स्टेंट है अंदर क्या रहेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स है ना तब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस टू अब ये वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है है ना तो ये ऐसे हो जाएगा अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर जो भी है उसके मल्टीप्लीकेशन में वो ऊपर चला जाता है यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा log और x एक्स माइनस टू जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा एंड यस yes, हमें ये भी पता है ई e और लॉग या फिर लॉग और ई e होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है इसका मतलब यहाँ पर हो गया एक्स माइन एक्स रेस टू माइनस टू यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं वन अपन एक्स स्क्वेयर समझ में आ रहा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमें मिल गया क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ में आया कैसे निकाला बहुत सिंपली एफ एक्स पहले हमने एफ एक्स का फॉर्मुला लगाया तो हमें ये मिला एंड देन हमने ये वाला लगा दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समझ में आया बहुत है ज्यादातर लॉग आएगा तो आपके जो है आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं आएगा अब हमें पता है जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे इक्वेशन के साथ तो हमें क्या मिलेगा एमडीएक्स प्लस एनडीवाई इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई वाला हमने एक फॉर्मुला लिख दिया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है square, है ना एंड एम क्या है हमारा एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन यहां पर है डी एक्स प्लस एन क्या है हमारा माइनस टू एक्स वाई एंड यहां पर है dy अब वही करेंगे हम हर टर्म को जो है डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ चलो अब डायरेक्ट करेंगे एक्सक्वायर डिवाइड बाई एक्सक्वायर वन मिलेगा फिर यहां पर मिलेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये पूरा होगा क्या dx माइनस यहाँ पर यहां पर क्या होगा यस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस टू बाई अपॉन एक्स मिलेगा एंड ये होगा dy ठीक है ना ये पूरा dy इक्वल टू यस yes, ये इधर आएगा इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे हम ये हो गया हमारा क्या किस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में हो गया है ना तो अब जब ये नाव हाँ यहाँ पर ये से लिख सकते हैं नाव इट इज एग्जैक्ट ठीक है ना अब जब ये एग्जैक्ट डिफ्रेंशियल इक्वेशन हो गया है तब तो हम क्या करेंगे जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम वही फॉर्मूला लिखेंगे देखो फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है कि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा तो वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी ठीक है ना तो यहां पर एम क्या है हमारा अब देखो ये वाला एम और यह वाला एम देखना है आपको तो ये जो ये जो m है यहाँ पर क्या है वन अपन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है यहाँ पर आपको y को कांस्टेंट रखना है याद रखना एंड प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x यानी कि देखो अब इसमें तो x है तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो डी वाई इक्वल टू सी ठीक है ना तो यहाँ पर आप क्या करना है अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें धीरे धीरे सिंपली तीनों के पास इंटीग्रेशन लेकर जाएंगे तो यहाँ पर होगा वन डी एक्स प्लस अब यहाँ पर हमें वाई को कॉन्स्टेंट रखना है तो वाई स्क्वायर बाहर ले, ले लेते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है इक्वल टू सी यहाँ पर क्या आएगा ये है एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स है ना प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अगेन वाई क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स ठीक है इक्वल टू सी तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सी ये आ गया हमारा सिंपली जनरल सोल्यूशन है ना बहुत सिंपल था समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ज्यादा भी प्रैक्टिस और मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है ना एंड मैथ्स में तो हम थोड़ी ना कोई मतलब कोई चीज़ को रट्टा कर रहे हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं तो अगर हमें बेसिकली स्टेप्स पता चल गए तो हम अच्छे से कर ही सकते हैं है ना तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर थ्री भी है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं जिसमें हम रूल थ्री देखेंगे सॉरी रूल फोर देखेंगे ठीक है तो चलिए ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर हम जो है रूल फोर को अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एग्जैक्ट है या नहीं है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा किससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से है ना नम क्या होगा हमारा वाई लॉग वाई ठीक है एन क्या होगा हमारा एन होगा एक्स माइनस लॉग वाई ठीक है नहीं. अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है जल्दी जल्दी करेंगे डेबाब डबा वाई क्या मिलेगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है अब देखो अब ये दोनों भी वाई ही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यानी कि वाई या एज इट इज लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई प्लस लॉग बाई एज इट इज वाई का डेरीवेटिव वन ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा ये वाई वाई कैंसिल यानी कि वन प्लस लॉग वाई ये हमें मिल गया डेबा एम बाय डेबा वाई डेबा एन बाय डेबा एक्स क्या होगा डेबा एन बाय डेबा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है तो एक्स का होगा वन माइनस इसका होगा जीरो है ना तो हमें सिंपली क्या मिल गया वन इसका मतलब क्या है डेबा एम बाई डेबा वाई इज नॉट इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स ठीक है इसका मतलब इट इज नॉट इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमें देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है y dx है ना और कोई फॉर्म नहीं बन पा रहा है होमोजेनियस भी नहीं है एंड y dx एक्स यस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई फॉर्म भी नहीं है एंड एक्स डी वाई फॉर्म भी नहीं है एंड ये कौन सा फॉर्म है वाई डी एक्स वाला फॉर्म है यानी कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है बाय रूल फोर है ना वही है बाय रूल फोर क्या करना है हमें हमारा एफ एफ वाई यहाँ पर एफ वाई क्या मिलने वाला है एफ वाई मिलेगा डेबा एन बाई डेबा एक्स माइनस डैबा एम बाई डाबा वाई अपॉन एम ठीक है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एफ ऑफ वाई तो एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं जल्दी डाबा एम एक्स क्या है हमारा वन है माइनस डाबा एम वाई क्या है वन प्लस लॉग वाई वन प्लस लॉग वाई एन डिवाइड बाय एम करना है एम क्या है हमारा वाई लॉग वाई ठीक है ना सिंपल है वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो ऊपर बचा लॉग वाई नीचे बच्चा वाई लॉग बाय वाह कैंसिल हो गया हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन वाई मिल जाएगा है ना वन अपॉन वाई अब हमें क्या मिल गया एफ ऑफ वाई मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारा ई रेस टू एफ ऑफ वाई डी वाई है ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है तो ई रेस टू वन अपन वाई डी वाई तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई क्या होगा लॉग वाई अब बस ये ई और लॉग साथ में आ गए इसका मतलब वैल्यू वन एंड बचा हमारा सिर्फ वा तो इंटीग्रेशन येस येस यस यहाँ पर क्या हो गया हमसे क्या हुआ क्या हुआ यहाँ पर माइनस ये जो माइनस है ये हमें अंदर लेना था देखो कौन सी कौन सी सिली मिस्टेक्स हो रही है आप भी समझ सकते हो तो ये जो है सिर्फ ब्रैकेट नहीं खोलने की वजह से ये मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर माइनस लॉक वाई आएगा यानी कि माइनस वन अपॉन वाई आएगा यानी यहाँ पर भी माइनस आएगा एंड ये अगर इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हमारे पास वैल्यू क्या आएगी रेस टू लॉग वाई ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा एंड नाउ अब ये वन जो है वन हो जाएगा इसका मतलब ये इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वन अपॉन वाई है ना फिर भी इजी आया हमारा ठीक है अगर आपको दिखा दिखता नहीं होगा तो यहां पर क्या है इ रेस टू माइनस लॉग बाय हो जाएगा एंड ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन वाई मिल जाएगा अब जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है तब तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के अंदर है ना तो हमें क्या मिल इक्वल टू जीरो करना है तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन अपॉन वाई एम क्या है? हमारा y log y है y log y यहाँ पर आएगा dx एक्स प्लस n क्या है हमारा x माइनस लॉग वाई एंड यहाँ पर आएगा dy वाई इक्वल टू जल्दी से वही चीज़ हमें करनी है क्या यहाँ पर हमें हर टर्म से जो है अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिवाइड कर देना है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा देखो डायरेक्ट करेंगे y y कैंसिल हो जाएगा इधर बचेगा सिर्फ log y dx एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचेगा ये log y dx हो गया यहाँ पर आएगा x बाय वाई है ना माइनस लॉग वाई है ना ऐसे आएगा एंड ये पूरे का डी वाई इक्वल टू जीरो अब ये क्या हो गया हमारा इट इज एग्जैक्ट नाउ ठीक है ना इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ अब हम क्या कर सकते हैं इसका जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो जनरल सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा वही फॉर्मूला हमें लगाना है कौन सा एम डी एक्स मैं हर बार फॉर्मूला लिख रही हूं ताकि आपको भी याद हो जाए ठीक है ना टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग Not एक्स डी वाई इक्वल टू सी यहाँ पर जो है आपका वाई कॉन्स्टेंट होगा ठीक है ना तो यहाँ पर आपका क्या आएगा एम क्या है आपका अब देखो ये वाला एम देखना है आपको तो यहाँ पर है लॉग वाई डी एक्स ठीक है पर 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 तो तो दोनों भी टर्म्स में किसमें नहीं नहीं है, नहीं है, इस है, इसमें तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा -log y upon y dy equal to c, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो वाई कॉन्स्टेंट हमें रखना है तो ये लॉग y बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा यानी कि वन डी एक्स का ठीक है ना अब ये माइनस हम बाहर ले लेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हम क्या करें कर सकते हैं देखो इसका तो आ जाएगा इसका एक्स आ जाएगा लेकिन इसका क्या करेंगे यहाँ पर अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे है ना तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पुट लॉग वाई इक्वल टू टी ठीक है देर फोर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी है ना तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसका तो कंप्लीट हो जाएगा इसको हाथ नहीं लगाना है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स लॉग वाई क्यों एक्स इसका इंटीग्रेशन आएगा है ना माइनस यहाँ पर अब हमें क्या करना है लॉग वाई को टी पुट करना है है ना एंड ये जो है वन अपॉन वाई डी वाई वन अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा डी टी इक्वल टू सी अब इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं इजीली तो ये एक्स लॉग वाई एज इट इज़ यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर बाई टू है ना इक्वल टू सी यहाँ पर टी स्क्वायर बाई टू हो गया अब यहाँ पर टी क्या है हमने कि टी को एज्यूम किया था लॉग बाय तो वही यहाँ पर रिसब्स्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा लॉग बाय का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ठीक है ना इक्वल टू सी बस हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन खत्म बस थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था यहाँ पर इतना सा काम करना था एंड ये तो हमने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से करा हुआ है ना तो बहुत इजीली आपका जनरल सोल्यूशन आ गया एंड यस हमने सारे के सारे जो रूल्स है ना वो कर लिए फिफ्थ रूल जो है वो ज्यादा मतलब आता ही नहीं है तो मतलब उसका मैंने क्वेश्चन लिया ही नहीं है चार जो रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बताया हुआ है लेकिन आप ये चारों भी सम्स अच्छे से एक बार करके जाओ ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन सा इक्वेशन आया तो आपको कौन सा करना होगा ठीक है अब हमारे पास बचता है सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा यूनिट वन का रिविजन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो चलो देखते हैं तो देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमारे पास सम होगा तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है बहुत इजी है बहुत हाफ ऑफ द टाइम जितना हमने एक्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट को दिया है ना उसके हाफ टाइम में ये वाला सम हो जाएगा आपका सिंपली आपको क्या पहचानना है कि आपका जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं आपको जो डेफिनेशन है वो बताऊँ तो क्या होगा देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इट्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ओकरस ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगैदर ठीक है अगर ऐसा हो यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल तो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो यानी कि फॉर्म में अगर आपका हो या फिर एक और एग्जाम्पल आप ले लो वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस फोर इक्वल टू एक्स है ना अगर ऐसे है आपके इक्वेशंस तो ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म होते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो जनरल फॉर्म होता है डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ठीक है यहाँ पर P के साइड में क्या है Y अगर X होता तो हम कहते कि ये लीनियर इन X है Y है तो हम कहेंगे लीनियर इन Y है समझ में आया तो सिंगल टर्म ऑफ Y लीनियर इन Y वेर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ X ओनली ये जो P है और ये Q है ये फंक्शन ऑफ X ओनली है ठीक है समझ में आ गया तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं डायरेक्टली मैं आपको एक क्वेश्चन से ही समझाती हूँ कि आपके स्टेप्स क्या होंगे ठीक है तो क्वेश्चन ले लेते हैं तो यहाँ पर ले, ले लेते हैं डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स ठीक है ये जो है आ, मतलब इजी है बहुत इजी क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा आपको लेने डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना पड़ता है कैसे इससे जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग बाय विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू यहाँ पर कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना होता है पी और क्यू की वैल्यूज ठीक है पी और क्यू की वैल्यूज तो पी यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉटेक्स है ना एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन टू एक्स है ना अब यहाँ तक तो सिंपल तो है सबको समझ में आ गया अब इसके बाद हमें निकालना होता है डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ याद रखना क्या होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स हमेशा ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर ई इंटीग्रेशन पी क्या है हमारा कॉटेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डी एक्स है ना तो कॉटेक्स का हमेशा याद रखना अब मैं आपको इतना भी बता सकती हूँ चलो इंटीग्रेशन क्या होता है आपके काटेक्स का कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स ठीक है ये याद रख लेना बेसिक फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो ई रेस्टू यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स तो यहाँ से हम समझ में आ रहा है कि ई और लॉग ए इसका तो वन हो जाएगा तो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा क्या साइन एक्स ठीक है अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है इसका मतलब अब हमें क्या निकालना होगा जनरल सोल्यूशन निकालना होगा ठीक है तो अब हमें याद रखना है हमेशा कि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इन क्या है यहाँ पर लीनियर इन वाई है है ना लीनियर इन वाई है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई ठीक है लर्न करा रही हूँ आपको जनरल सोल्यूशन लीनियर इन एक्स होता तो यहाँ पर एक्स लिखते है. इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ ठीक है इक्वल टू इंटीग्रेशन ये क्यू ठीक है ना ये क्यू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है डी एक्स प्लस सी बस ये है आपका जनरल सोल्यूशन ये आपको याद रखना है ठीक है प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपका ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी अब ये वाई तो एज इट इज रहेगा ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है साइन एक्स ठीक है वो ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन क्यू क्या है हमारा क्यू देखो साइन टू एक्स ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे साइन टू एक्स इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा अगेन साइन एक्स ठीक है डी एक्स प्लस सी समझ में आ गया अब हम क्या कर सकते हैं इस साइन टू एक्स में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं है, है ना तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है टू साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड ये साइन एक्स एज इट इज लिख देंगे ठीक है डी एक्स प्लस हाँ प्लस सी अभी नहीं लिखना है हमें प्लस सी हम कब लिखेंगे फाइनल आंसर में ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा अगेन यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू बाहर ले, ले लेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ठीक है एंड ये cos x हो जाएगा dx ठीक है बस अब हम क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि sin x का जो है डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है तो हमारे पास यहाँ पर देखो फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास इंटीग्रेशन का कि एफ ऑफ एक्स रेस टू एन अगर है एंड उसका डेरिवेटिव ही सामने प्रेजेंट है तो उसका क्या सोल्यूशन होता है एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है तो बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज हमें आने चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर क्या होगा ये टू एज इट इज़ यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ एक्स है यहाँ पर साइन एक्स एंड उसका रेस टू पावर है टू तो टू प्लस वन यानी कि थ्री डिवाइडेड बाई थ्री तो बस हमारे पास सोल्यूशन क्या गया? आ गया टू बाई थ्री साइन एक्स का होल क्यूब प्लस सी प्लस सी लेना मत बोलना हो गया आपका जनरल सोल्यूशन है ना कितना है उसकी हाफ ही मतलब आप क्वांटिटी समझ सकते हो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है आई होप आपको समझ में आया होगा एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो होमवर्क में सॉल्व कर लेना एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ठीक है क्वेश्चन टू आप एज अ होमवर्क ले सकते हो इसको एंड आपको अगर मैं इसका आंसर भी बता दूं आंसर भी क्रॉस वैली वेरीफाई कर ही लेना इसका आंसर आता है वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इन एक्स ठीक है, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है इससे भी छोटा है ठीक है समझ में आ गया आपको इससे भी छोटा है अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका आंसर आया है ठीक है तो चलो अब बर्नौली का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और हमारा यूनिट वन जो है वो पूरा वाइंड अप हो जाएगा तो चलो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब इसको जो है ना ज्यादातर लोग जो है इसको ऑप्शन में रखते हैं क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे ज्यादा ईजी है ज्यादा मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में एंड एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट तो हमें आता ही है ठीक है ना तो वो तीन जो है ज्यादातर लोग सॉल्व करते हैं एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर वन है वही ट्राई करना सॉल्व करने की ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक ना नहीं होगी उसके अंदर ठीक है ना चलो बर्नौली फिर भी जिनको समझना है वो समझ सकते हैं जिनको लीनियर या येस yes, एग्जैक्ट अगर नहीं करना है वो बर्नौली कर सकते हैं तो बर्नौली डिफरेंस में क्या क्या है है हमारे पास सिर्फ दो पार्ट्स uh, होते हैं इसके क्या? एक तो होता है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें होगा डी एक्स uh, एक में होगा लीनियर इन एक्स ठीक है x, ना लेकिन लीनियर इन एक्स ऐसे नहीं बोलेंगे हम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बर्नौली तो अगर ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप में क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप हम करेंगे यहां पर ये यह जो y एस टू एन दिख रहा है ना तो इस y एस टू एन से हम पूरे इक्वेशन uh, को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय y एस टू एन थ्रू आउट ठीक है तो यहां पर क्या आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन वायर एस टू एन डीवाई बाई डी एक्स ठीक है प्लस ये P एज इट इज़ एंड यहाँ पर आएगा वाई अपॉन वाई रेस टू एन इक्वल टू क्यू बचेगा ठीक है यहाँ पर तो कैंसिल ही हो जाएगा ठीक है एंड जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको y रेस वाई रेस टू माइनस एन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ठीक है प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y रेस टू वन माइनस एन है ना इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं एंड ये P एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू समझ में आ गया अब यहां पर जब इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन uh, आ जाएगा तब तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट पुट टू टू ये जो y to one minus n है ना इस टर्म को हम u कर देंगे ठीक है अब ये जो हमने ये वाला इक्वेशन जो आया है ना अब इसको हम क्या, क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है एंड जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे नाउ वी विल दिस कन्वर्ट इट देन कन्वर्ट इन टू इन इन टू द फॉर्म डी यू बाई डी एक्स plus PU equal to Q. ठीक है ना तो इस फॉर्म में हमें लाना है इसको समझ में आ गया बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं बस इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं सबसे पहले क्या करना है इसको डिवाइड करना है वाई रेस टू तो एन के साथ एंड फिर क्या करना है इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई फॉर्मेट में लाना है तो ये जो आएगा आपका टर्म इसको यू पुट करना है एंड इसको इस कंप्लीट इक्वेशन uh, को हमको एक्स से जो है डिफ्रेंशिएट करना है एंड इस वाले फॉर्म में लेकर आना है सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो वही चीज़ करनी है अब आपको समझ गया होगा यहाँ पर क्या करना है एक्सरेस टू एन से जो है ना डिवाइड कर देना है तो यहाँ पर क्या मिलेगा एक्सरेस टू एन डी एक्स बाई डी वाई प्लस यहां पर मिलेगा पी अपॉन यस यहां पर जो है एक्स आएगा यस पी यहाँ पर आएगा एक्स नीचे आएगा क्या करेंगे हम अगेन वही चीज एक्स रेस टू माइनस एन डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी रेस टू एक्स वन माइनस एन इक्वल टू क्यू है ना अब यहां पर क्या करेंगे हम एक्स रेस टू वन माइनस एन को यू पुट कर देंगे अब इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं वाई समझ में आ गया यहां पर वाई से डिफरेंशियट करेंगे एंड कन्वर्ट किस फॉर्म में करेंगे डी यू बाई डी वाई प्लस पी यू इक्वल टू क्यू ठीक है विच इज लीनियर इन क्यू यू समझ में आ गया तो ये हुए हैं दो फॉर्म्स किसके बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के तो चलिए जल्दी से जो है एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं बर्नौली का भी समझ में आ जाएगा हमें कि हमें एक्जैक्टली करना क्या है ठीक है ना तो यहीं पे कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर वन ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन वन क्या है आपका एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब इ रेस्ट टू माइनस एक्स स्क्वायर यह है आपका कंप्लीट क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पर आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में दिख रही है ठीक है ना तो हम क्या ये वाला जो स्टेप है ना ये वाला फॉलो करेंगे सबसे पहले क्या कर लेंगे ये हमारे डीवाई बाई डी एक्स के साथ क्या है माइनस है ना तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना तो हमें क्या मिल जाएगा एंड ये माइनस करेंगे एंड इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे ठीक है ना तो इससे हम क्या हो जाएगा यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स

Q इन टू वाई रेस टू एन तो यहां पर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा वाई रेस टू एन क्या है वाई रेस टू एन है हमारा ये है ना ये है माइनस वाई क्यूब समझ में आ गया तो अब क्या करेंगे हम इस माइनस को तो इसके साथ समझ लेते हैं वाई क्यूब जो है ना इससे डिवाइड कर लेंगे थ्रू आउट तो हमें क्या मिल जाएगा इस कंप्लीट इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है वाई क्यूब के साथ तो वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब यानी कि एक्स अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा है ना इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा सिर्फ माइनस इरेज टू माइनस एक्स स्क्वायर समझ में आ गया ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर इसके आगे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वाई रेस टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई टू माइनस टू है ना माइनस इरेज टू माइनस एक्स स्क्वायर आई होप आपको समझ में आ रहे हैं स्टेप्स है ना अब यहाँ तक हो गया अब हम क्या करेंगे पुट वाई रेस टू माइनस टू या फिर कंसिडर वाई रेस टू माइनस टू इक्वल टू यू ठीक है ना अब इस कंप्लीट को हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें यहाँ पर इसको x से डिफ्रेंशिएट uh, करना है इसका मतलब क्या होगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो इसका आएगा माइनस टू वाई रेस टू माइनस थ्री है ना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस टू वाई रेस टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स क्यों बिकॉज हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं है ना इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स समझ में आ गया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया माइनस टू वाई रेस टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये अब मैं इस माइनस टू को इस साइड लेकर जाऊँ तो अब मुझे क्या मिलेगा वाई रेस टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू डी यू बाई डी एक्स अब आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों किया तो मैंने ये इस पर ये जो ये वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो y रेस टू माइनस थ्री डी वाई बाई है इसको हमें रिप्लेस कर सकते हैं किससे माइनस वन अपॉइंट टू डी यू बाई के साथ है ना समझ में आया तो बस ये इतने ज़रा कॉम्प्लीकेशी है इसके अंदर अदरवाइज इजी है कुछ नहीं है बर्नौली के अंदर भी तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस वन अपॉइंट टू डी है ना तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर तो इस वाला इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन टू तो इक्वेशन टू बिकम्स क्या यहाँ पर हमें ए लिखना है यानी कि वाइनस वन अपॉइंट टू डी यू बाई डी एक्स ठीक है माइनस ये यहां पर हमें क्या मिल जाएगा माइनस एक्स अब यहां पर हमने यू कंसिडर किया था इसको तो यहां पर यू लिखेंगे इज इक्वल टू ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क् समझ में आ गया अब क्या करेंगे इसको डी यू बाई डी एक्स हमें इस वाले फॉर्म में लेकर आना है ना तो इस वाले फॉर्म में आ गया हमारा आंसर डी यू बाई डी एक्स यहां पर ये जो है माइनस वन अपॉइंट टू यानी कि हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे माइनस वन टू से तो यहां पर मिल जाएगा टू एक्स यू इज इक्वल टू 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 माइनस एक्स स्क्वायर अब इसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे किसके साथ डी यू डीएक्स प्लस पी यू इक्वल टू क्यू तो अब यहां पर हमें पी क्या मिल जाएगा पी मिलेगा देखो तो टू एक्स और क्यू क्या मिल जाएगा क्यू मिलेगा ये टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायेयर है ना तो बस अब जब हमें पी और क्यू मिल गया है तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स समझ में आ रहा है बहुत सिंपल स्टेप्स हैं बहुत तो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी क्या है हमारा टू एक्स डी एक्स है ना टू एक्स डी एक्स अब ई रेस टू ये टू बाहर आ जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सक्वायर बाय टू है ना तो ये टू टू कैंसिल हो गया एंड हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है ई रेस टू एक्स स्क्वायर ठीक है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सिंपल है अब लास्ट स्टेप हमें जनरल सोल्यूशन निकाल देना है जनरल सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था अभी तो उसी फॉर्मेट में अब देखो ये पूरा इक, अब इस इक्वेशन से हम बात कर रहे हैं मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से हमें जो है जनरल सोलूशन लिखना है तो ये क्या है लीनियर इन यू है समझ में आया लीनियर इन यू यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखो लीनियर इन यू है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मुला बनेगा यू इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पर क्यू आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी इक्वल ठीक है तो यहाँ पर अब यहाँ पर यू एज इट इज रहेगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू एक्स स्क्र इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है हमारा अब देखो यही इक्वेशन को हमें फॉलो करना है तो क्यू है हमारा टू इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्टीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेस टू एक्स स्क्वायेर डी एक्स प्लस सी समझ में आ रहा है क्या okay, करेंगे ये टू बाहर आ जाएगा एंड यहां पर क्या मिलेगा आप देखो ये क्या है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू ई रेस टू एक्सक्वायर इसका मतलब क्या होगा देखो यहां पर आप मैं लिख के लिखाऊ तो यहां पर होगा ये ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपन ई रेस टू एक्स स्क्वायर है ना एंड यहां पर ई रेस्ट टू एक्सक्वायर प्रेजेंट है यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमें इंटीग्रेशन सिर्फ वन डी एक्स मिलेगा प्लस सी समझ में आ रहा है तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा यू इंटू इंटीग्रेशन सॉरी यू इंटू ई ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड वन का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स प्लस सी बस हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन समझ में आया ऐसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व समझ में आ गया तो बस इतने स्टेप्स है है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो अदरवाइज ये बहुत सिंपल है अगर आपको पता है कि पर कौन से स्टेप्स फॉलो रहे हैं ठीक है थीके? तो ये वाले स्टेप्स जो है आप फॉलो करिए एंड आपको आंसर बहुत ही ज्यादा इजिली मिल जाएगा ठीक है तो कुछ क्वेश्चन अब मैं एक पेज पर लिखती हूँ वो आप होमवर्क एज अ होमवर्क प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ठीक है तो ये जो है कुछ क्वेश्चन है मैंने अराउंड सिक्स क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं तो ज़्यादातर इसके अंदर पी वाई क्यूजी है आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ऑफकोर्स यहाँ पर यह है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट यहाँ पर आप चेक करिए कौन सा रूल फॉलो होगा कौन सा नहीं ठीक है आपसे जितने ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हुए एंड इसका आंसर आ जाए वेल एंड गुड ये वाले सॉल्व करके देखना ये ये तो तीनों भी पी वाई क्यूजी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको एक जो है पहले ही होमवर्क दे दिया था तो वो वाला आप कर सकते हो एंड ये वाला एक सॉल्व कर सकते हो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये दो जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको हर एक सम, समझाने की कोशिश करी है मैथ्स मैंने पहली बार लिया है अपने चैनल के ऊपर सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट करना मैं यूनिट के लिए भी ऐसे ही एक वन शॉट में ही कंप्लीट रिविजन लेकर आऊंगी एंड उसमें भी मतलब जो है एप्लीकेशन ही है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के तो बहुत ईजी है वो भी समझ समझ में आ जाएगा अगर आपने एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया हर टाइप के तो सो आई होप ये जो है यूनिट वन ये ज्यादातर यूनिट टू से भी ज्यादा लोगों को ये हार्ड

टेप्स बता दिए हैं ये नोट्स चाहिए तो आपको मेंबरशिप के अंदर मैं डाल दूंगी गोल्ड मेंबरशिप एंड उसके अबाव सो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट uh, करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको बिल्कुल भी मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है मैथ्स की तो वो कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा स्कोर करके आना एंड मुझे बताना आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया है ठीक है ना तो चलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस एंड चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग thanks <smart noise> <smart noise>